आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। तो हम लोग ना 4 बजे जग गए थे और अपने ना मॉर्निंग के पूरे काम झाड़ू पोछा वाले हो गए और नहा भी लिए हैं, थोड़ी बहुत हमने चूड़ी कंगन भी डाले, कुछ ना हमने रात में उतार दिए थे क्योंकि इतने भारी भारी कंगन पहने हुए थे ना, तो हमको ना जब भरन भरन होता है तो अच्छा नहीं लगता। और सासू माँ भी नहा ली हैं, उन्होंने घंटी बजा दिया कि हम लोग भी रेडी हो करके जल्दी ही पूजा में पहुँच जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना आ रहे हैं 4:30 बजे तक हम लोगों के ना विसर्जन दिन होता है। तो इसके पहले भोले बाबा की पूजा करते हैं और गौरी माता का सुहाग लेते हैं, पार्वती माता का सुहाग हम लोग लेते हैं। और इसीलिए ना अभी हमने सिंदूर नहीं लगाया, कल का ही सिंदूर लगा हुआ है। और देख सकते हैं ये हल्की फुल्की वाली साड़ी डाल रही है, ये भी हमारी मायके की साड़ी है। तो होता है ना, माता रानी की कृपा है कि 5-6 साड़ियाँ मायके की इकट्ठा हो जाती हैं, तो हमको ना यहाँ साड़ी नहीं लेना पड़ता है। जितने भी इधर के त्यौहार होते हैं ना, पूरे में हम लोग ना कौड़ी साड़ी पहनी जाती हैं। तो जैसे कि हर छठ ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और कल का ना कजरी दीद बहुत ही अच्छा गया, हमको ये तो नहीं पता कि हमारी बहनों को कैसे गया है, लेकिन हम तो माता रानी से ही कहेंगे कि आप लोगों का भी कजरी तीज खूब अच्छे से गया हो, माता रानी इसी तरह खूब सबको स्वस्थ रखें और खूब कजरी तीज की पूजा ऐसे ही आप लोग करते रहो, सबका सुहाग अमर रहे। जैसे कि पार्वती ने भोले बाबा की तपस्या करके जीत लिया है, वैसे ही हम बहने भी चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों से तो कहे थे कि रात में जागरण करेंगे, बट होता है ना रात में हम मंदिर से लेट में आए और थोड़ी बहुत जागरण किए, वैसे ना सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, भोले बाबा की पूजा पाठ मंदिर जाना ये वो। तो आपकी दीदी ना जब आप लोगों से बात करने लगती है ना तो बहुत ही बोल जाती है, और हम सोच रहे हैं पूजा करने से पहले ना थोड़ी बहुत किचन के काम कर लेते हैं, क्योंकि पतिदेव भी गए हैं नहाने और 7 बजे बच्चों को भी स्कूल जाना है और सबकी तैयारी भी करना है, तो जल्दी हम कुछ किचन की भी पहले तैयारी कर लेते हैं। तो रात में हमने भिगो दिया था मटर, पहले हमने सोचा छोला भिगो, लेकिन दिमाग में आ गया तो हमने मटर ही भिगो दिया। तो जा रहे हैं इसको कुकर में रख देते हैं। और इधर ना हमने आलू भी काट करके रख लिया, क्योंकि पतिदेव को आलू और शिमला मिर्ची की सब्ज़ी भी खाना है, तो दोनों चीज़ हमको जल्दी ही बनाना। तो पहले हम मटर रख तो पहले ना हम मटर रख देते हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि ये जो मॉर्निंग वाली पूजा होती है ना, इसमें भी पूरा 1.5-2 घंटे से पहले हम लोग यहाँ किचन में आने वाले नहीं हैं, बहुत लंबी पूजा होती है और इसके बाद भोले बाबा को विसर्जन करने जाना। तो आप लोगों को ना पूरी एक एक क्लिप दिखाएंगे जो थोड़ी बहुत हमने शूट किया है, वैसे भजन कीर्तन भी काफ़ी हुआ है लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉक हो जाता। तो जब तक पूजा करेंगे ना तब तक हमारे मटर भी बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग के जितने जल्दी काम हो जाते हैं ना उतना ही अच्छा रहता है, नहीं ऐसे होता ना कि घबराहट सी होने लगती है। वैसे भी ना इस बार का ना व्रत बहुत अच्छा गया, तो रात में हमने कुछ फूल रख दिया था। कल का व्रत करके ना तो हम बहनों का भी चेहरा एकदम से खिला खिला सा हो गया है, और देख सकते हैं हमने थ्रेडिंग भी नहीं बनवाया था, कुछ भी नहीं। वैसे कहते हैं कि बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप लोग चढ़ा भी सकते हो, बेलपत्र तो बासी ही चढ़ाना चाहिए, बट जैसे नहीं अब इतनी रात में हम लोग कहाँ जाएँ फूल लेने के लिए, तो इसीलिए रख दिए थे। और देख सकते हैं आग भी जला लिए हैं, क्योंकि हवन भी किया जाता है मॉर्निंग में भी, रात में भी हम लोगों ने किया था और पूजा पाठ में बहुत ही आनंद आ जाता है। थोड़ी सी ना आप लोग भी मंत्र सुनिए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वर्णान् मृत्युक्षयमामृतान्नम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् आरती हो गई और अभी न सबकी आवाजें स्लो हैं, तो भोले बाबा की थोड़ी सी प्रार्थना भी कर लेते हैं। मोलिनी चारी गंगा दशम बाले बालेन्दु कंठे भुजंगम चलत कुंडलम भूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नानि नमने कंठम दयालम मृगाधीश चरणम वरम मुंडे मालम प्रियम शंकरम सर। प्रार्थना तो पूरी किए हैं लेकिन थोड़ी सी क्लिप हमने लिया है। अब यहाँ पर ना गौरी माता को सुहाग चढ़ा रहे हैं, पार्वती माता को सुहाग चढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम लोग भी ले रहे हैं, सासू माँ भी हमारी दे रही हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तनु हरि मंगलम पुराकृति मंगलम मंगलमय लक्ष्मी कांता तिलकम चंदनम ललाटम बसंतम ओम लक्ष्मी कांता जय हो भोलेनाथ माता। तो सुहाग लेने के बाद ना सासू माँ
कोछा में देंगी, जैसे कि फल है, पूरा सुहाग का सामान है, और हम लोग ना थोड़ी बहुत भजन भी गाए हैं, लेकिन आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल रही थी क्योंकि हम लोगों को अभी तक चाय तो मिली नहीं है। जब टॉनिक मिल जाएगी ना तो आवाज़ निकलने लगेगी, तो आप लोगों को हरी हरी मेहंदी गौरा ने पीसी, हरी हरी मेहंदी ने पी लिया भांग, बूंदी लगी के चढ़ी गई हरी हरी लगी, शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शंकर भगवान की जय। अभी 5:30 बजे हाँ। पूरी पूजा हो गई, सुहाग वुहाग भी ले लिए। ये चीर ऐसे बांधी जाती है पार्वती मैया की, जो रात में ना हम लोगों ने वस्त्र चढ़ाया ना, उसी को चीर चीर करके इसको चीर ऐसे बांधा जाता है पूरा एक साल तक, की साड़ी में बंधी रहे। शरबत पिलाइए, भोग लगा दीजिए, जय हो भोले बाबा की, जय हो भोले बाबा की। थोड़ी थोड़ी ना उजाला भी होने लगा। नमो विसर्जनम, जो जन जहाँ से आई हो तो तन करो बयान, रामायण चली वैकुंठ का तुम हो चलो हो कैलाश, हरे हरे बम बम, हरे हरे बम बम, हरे हरे बम बम, हरे हरे बम बम, बोलो भोले बाबा। सो गाइस, अब भोले बाबा का विसर्जन हम लोग कर रहे हैं और सुहाग वगैरह सब ले लिए, और देख सकते हैं जो सुहाग और है ना, तो जैसे कि मालिन को दे सकते हैं और अपने मानदानों को दे सकते हैं, तो आप लोग भी दर्शन करिए। और इसी तरह पार्वती माता सबका सुहाग अमर रखें, सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। तो पहले ना हमारे यहाँ खीरा खाया जाता है, भोले बाबा को शरबत पिलाने के बाद हम लोग थोड़ी थोड़ी खीरा खाएंगे और ये चंदामृत पिएंगे जो भोले बाबा का नहलाया जाता है। तो हम बताएं ना आप लोगों से, हमने ना 2 गिलास पी लिया तो ऐसे लगता था ना कि जैसे हमको कोई एक टॉनिक मिल गई है, और बहुत ही अच्छा लगा। तो सासू माँ हमको कहाँ लेकर के जा रही हैं, अभी आप लोगों को ना आगे दिखा रहे हैं कि कहाँ लेकर के जा रहे हैं। आप लोग तो समझ गए होंगे ना कि हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा को विसर्जन करने के लिए। तो देख सकते हैं वैसे ना सखियों सहित भोले बाबा को विसर्जन करना चाहिए, इसके बाद ही पारण करना चाहिए। भोले बाबा को अगर घर में रखे रहें तो आप लोग पारण नहीं कर सकते हो, तो अपने बहनों से कहेंगे। अगर इस बार कोई बहनें अगर गड़बड़ी आप लोगों ने कर दिया, वैसे तो सभी को ये बात पता है कि भोले बाबा को विसर्जन करके ही पारण करना चाहिए। और सासू माँ देखिए हमारी कितनी दबंग है, छलांग मार करके चढ़ गई हैं, और इतना नहर में पानी था और हमको ना इतनी हंसी आ रही थी, और पापा जी भी गाड़ी में बैठे बैठे देख रहे थे, तो हमको ना बहुत अच्छा लगा। वैसे ना हमारी सासू माँ हम लोगों से भी बहुत आगे हैं, होना भी चाहिए। माता रानी ऐसे ही खुश रखें और उनके हाथ पैर ऐसे ही चलते रहें तो हमको ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भोले बाबा को विसर्जन हम लोगों ने कर दिया, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और देख सकते काफ़ी लोग ना हमारी सासू माँ को देखने भी लगे थे कि मतलब कितने अच्छे से, और काफ़ी बहनें भी आई हुई थी भोले बाबा को विसर्जन करने के लिए। तो यहाँ पर हम सभी भोले बाबा के सभी लोग दर्शन भी कर रहे हैं, और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि अब तुरंत मंदिर चले जाएंगे। और काफ़ी बहनें हम लोगों से जय माता दी भी करने लगी थी, तो भोले बाबा की कृपा है, और जिस पे ना ईश्वर की कृपा होती है ना उसी पर सभी लोग प्यार करते हैं। सच बताएं, जैसे कि हमारी YouTube फैमिली, हमारी बहनें हैं, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो यहाँ भी हम लोगों ने सुहाग ले लिया और सभी बहनें सुहाग अभी ले रही हैं। अब हम लोगों को ना यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि टाइम भी हो रहा है, बच्चों को स्कूल जाना है, पति देव को ऑफिस जाना है, तो इसके बाद ना हम तुरंत लग जाएंगे किचन में। तो यहाँ आप तुरंत आटा गूंद लेते हैं, और हमारे पति देव ना मटर आलू टमाटर की इधर कुकर में सब्जी छौंक दिए थे, तो भोले बाबा हमारे बहुत ही खुश हैं इसीलिए। और यहाँ पर ना बच्चों के लिए बनाना शेक भी बना करके रख दिए थे, तो कुछ तो हमारा काम हल्का हो गया था। और हमारी बहनें ना कुछ कमेंट करती हैं कि दीदी मीना क्या कहाँ खाना बनाती है कैसे, तो गाइज आप लोगों से कहेंगे ना, ये अपनी फैमिली है, हमारी शुरू से आदत थी, हम ज़्यादातर किसी की झांक ताक नहीं करते, कोई बात नहीं। अगर हमारी बहनों ने ऐसा कमेंट किया है तो देखिए, जैसे हर रूम में
लेटरिंग बाथरूम रहते हैं ना, वैसे हर फ्लोर में किचन है। तो हमारी आदत शुरू से थी कि हम किसी का काम का इंतज़ार नहीं करते हैं, जो भी काम हमारे आगे पड़ता है हम फटाफट कर लेते हैं। तो हो सकता है वो पूजा करने के बाद देखे जैसे हम स्वस्थ हैं, वैसे सबका शरीर ऐसे नहीं है ना। और हम ब्लॉगिंग करते हैं, हम हर समय किसी को ब्लॉगिंग में नहीं ला सकते हैं, जैसे कि सासू माँ को ढूंढते रहें, मीना को ढूंढते रहें। तो हमको अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, और शुरू से भी हमारी कुछ आदत थी, वो तो माता रानी ही जानती। हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, हम किसी का रास्ता नहीं देखते हैं। जो काम हमको करना है तो करना है। और आप लोग तो समझते हो, जिस घर में इतने लोग हैं तो कहीं ना कहीं एक एक बर्तन भी होते हैं ना तो खटपिट होता है। बट यहाँ पर ये खुशी है कि हमारी फैमिली, हम लोग साथ में रहते हैं, देवरानी जेठानी में हमारा बहुत ही प्यार है। कभी हम नीचे जाके खाना बनाते हैं, कभी वो बीच में आके खाना बनाती है। आप लोग ऐसा भी कमेंट कर सकते हो कि एक किचन हमारा ऊपर भी है तो वहाँ सासू माँ क्या अलग खाना बनाती हैं? तो गाइज ऐसा नहीं है हमारी बहनें ना, पता नहीं क्यों ऐसे आप लोग कमेंट करते रहते हो। तो आइए, शरबत यहाँ पे बन गया है। और ये ब्लॉग हमारा लेट हो गया था एक दिन पहले ना, वो ब्लॉग तो हमने एडिट तो कर लिया था बट नेट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो हम टाइम से आप लोगों को नहीं पहुँचा पाए हैं, और इसीलिए आज हमको एडिट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मीना, हम सब लोग जा रहे हैं, शरबत पीने, सासू माँ को भी दे दिए हैं, और नंद रानी गई हुई है स्कूल, और हमारी चाय भी बन गई है। और टाइम भी देखिए 8 बज रहे हैं। तो ये जो मटर बच गया था ना, हम मीना से कह रहे हैं कि आज ना झटपट वाली हम इसमें चाट बनाते हैं। तो मीना कहती है कैसी चाट बनाएंगी, हमने कहा देखती जाओ हम कैसी चाट बनाते हैं। तो मटर को हमने कुकर में डाला और 5-6 आलू हमने छील लिया था। इसके बाद टमाटर है कटी हुई, देख सकते हैं, मिर्ची है, नमक है, हम सब डाल करके फिर से हम इसको बॉयल कर लेते हैं। और जो हमने खटाई भिगो दिया था, ये खटाई को ना हम जा रहे हैं सिल में पीसने। और कुछ अभी हमको मसाला भी भूनना है तो मसाला निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले जीरा है और खड़ी धनिया है, हम दोनों को भून लेंगे। थोड़ी सी इसमें हमने मेथी भी डाल लिया है, क्योंकि मेथी हम ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि मेथी में ना कड़ुआहट होती है। और मीना बैठे बैठे देख रहे थे, कह रहे थे कैसे बनाएंगी। तो इस तरह का काम ना हमको करना बहुत अच्छा लगता है। और एक तरफ ना हमारा चावल भी पक रहा है, तो देख सकते हैं झटपट वाली हमारी मटर बॉयल हो गई है, और इधर हमारा मसाला भी भून करके तैयार हो गया है। तो इसको ना हम जल्दी से मथनी से मत लेते हैं, मटर टमाटर आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। और हमारी कुछ भाषा ना बांदा की मिक्स हो जाती है, प्रतापगढ़ की मिक्स हो जाती है। तो आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि दीदी अनपढ़ों वाली बात करती। वैसे हमारी यूट्यूब वाली फैमिली, हमारी बहनें बहुत ही प्यारे हो, आप लोग अपनी दीदी को कोई गलत कमेंट नहीं करते हो। लेकिन अगर मैं कुछ भी बड़बड़ बोल गई होंगी ना अपने फैमिली के बारे में, तो आप लोग बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। और यहाँ पर हमारी झटपट वाली चटनी भी तैयार हो गई, देखिए सिल में। आपकी दीदी, आप लोग ये सीखिए अपनी दीदी से कि आपकी दीदी ना इस उम्र में कितनी मेहनत कर लेती है। और यहाँ पर हमने कढ़ाई में डाल लिया कड़वा तेल, जीरा, थोड़ी सी हींग। हमारे झटपट वाली मटर ना देखिए कैसे तैयार हो रही। वैसे होता है ना व्रत के बाद ऐसा लगता है कि कुछ कड़वा खट्टा मीठा खाए, वैसे मीठा खाने की मीठा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चटपटी चीज़ खाने का मन करता है। तो हमारा सासू माँ का, मीना का ना ऐसे ही मन कर रहा था, और बच्चे तो स्कूल ही गए थे। तो देखिए हमारी झटपट वाली मटर, और जो भून करके मसाला हमने पीस करके ऐसे डाला ना चटनी मसाला, तो वाकई हम लोग ना अपने मायके में ना ऐसे झटपट वाली चाट बहुत बनाते थे। तो हमको एकदम से याद आ गया कि हम वही बनाते हैं। तो हमारी मटर तैयार है, और इसमें ना हरी कटी धनिया भी डाल देते हैं। गाइस आप लोग भी आ जाइए, हमारी बहनें भी आ जाइए, और कभी हमारी बहनें आप लोग आइए, अपनी दीदी के हाथ का ना चाट खाइए, उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। और वैसे ना एडिट करते समय बता दें, जब ये चाट जिन जिन लोगों ने खाया है ना, उंगलियाँ ही चाटते रहे, बट ज्यादा चाट नहीं थी, चाट तो थोड़ी ही थी। तो पहले हमने बड़े बड़े निकाला कटोरा, हमने सोचा इतने बड़े बड़े कटोरा में देंगे तो किसको किसको हो पाएगी, इसलिए ना फिर हमने छोटी प्लेटों में दिए थे ना चाट, तो सबको हो गए थे। अब ये टाइम ना 5 बज रहे हैं, तो ये भी आ गए थे ऑफिस से, बच्चों के लिए मोमोज बंद वगैरह ले आए हैं, तो इनकी भी चल रही पार्टी। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाय।